अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज का पहला व्लॉग स्टार्ट करते हैं जनाब। सुबह सुबह सोच रहा था कि आज व्लॉग बनाएं पहला, लेकिन पहला व्लॉग बनाना था, समझ नहीं आ रही थी क्या करें, कैसे स्टार्ट करें। सुबह सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी, नाश्ता किया, फिर थोड़ा सा काम था, मसरूफ़ था, नहीं समझ आ रही थी कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो अभी मामू आए हैं, वो कर रहे हैं जनाब ज़मीन तैयार करनी थी अपनी टमाटरों के लिए, तो अभी वो स्टार्ट की है। मैंने कहा अभी से ही व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, यहीं से अच्छी चीज़ है। गर्मी काफ़ी बनी हुई है, बादल है, तो बादलों की वजह से कुछ थोड़ा सा फ़र्क है, हवा बंद हुई हुई है, थोड़ी सी हल्की फुल्की चल रही है। तो मामू ने कहा कि आज जो इंसान है वो तैयार कर दें, ताकि बारिश का सीन आ रहा है, बारिश पहला आ रहा है बहुत बड़ा, तो कहा कि बारिश के अंदर जो इंसान है वो अगर बारिश ज़्यादा होगी तो टमाटर जो इंसान है वो बीज ख़राब ना हो जाए, तो वो शिफ्ट कर देंगे, तो इसलिए ज़मीन जो इंसान है वो पहले तैयार कर लें। तो अभी आ गए हैं ज़मीन तैयार करने के लिए, तो मैंने कहा थोड़ा सा छोटी सी वीडियो बना लेते हैं व्लॉग का, पहला स्टार्ट तो करते हैं क्या है। ज़मीन, बाकी ज़मीन पे चक्कर लगाना था, अभी लगा नहीं सका। मामू ने कहा पहले सुबह सुबह टाइम ठंडा है, अभी जो इंसान है वो कर लें काम कुछ थोड़ा सा, तो फिर इधर आ गए ताकि जो इंसान वो ज़मीन तैयार हो जाए, मुजेरे जो इंसान हैं वो उसके बाद इसकी सेटिंग शेटिंग कर लेंगे हम, जो इंसान एक दफ़ा ज़मीन तैयार कर दें, सेटिंग कर दें। अभी जो इंसान वो करा मार रहे हैं ताकि जो इंसान लेवल हो जाए थोड़ी बहुत, कहीं कहीं जहाँ पे जगह ज़मीन जो उनसे ऊंची नीची है थोड़ी बहुत जो फ़र्क है वो निकल जाए। तो जनाब धूप निकल आई है, बस बादल आ रहे हैं, धूप निकलती है जाती है आती है, तो इसके बाद यहाँ से फ्री होते हैं तो फिर देखते हैं बाकी ज़मीन पे चक्कर लगता है या नहीं लगता। मिर्च का देखते हैं, मिर्च कहाँ पर है, क्या सूरत हाल है, मिर्च चेक करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। अभी पहले पीछे बारिश हुई थी उस पर एक दफ़ा गोबल चला दी थी, वो पड़ी है गोबल उस साइड पे। अभी थोड़ी देर तक जो है वो भी डाल लेंगे, ये कर लें जो है वो लेवल कर लें, थोड़ी सी ज़मीन ऊंची नीची जो फ़र्क है वो पूरा करके फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह गोबल, फिर उसके बाद जो है वो खीरिया निकाल लेंगे, फिर पीछे जो है वो मजेरों का काम है, बाकी अल्लाह खैर रखे। तो इंशाल्लाह आज पहला व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, आइंदा इंशाल्लाह आपको तकरीबन डेली जो है वो रोज़ाना की रूटीन शेयर करेंगे, क्या करते हैं ज़मींदार कैसा होता है और कैसे जो है वो क्या मामला चल रहे हैं, क्या हालात चल रहे हैं। काटन के हालात थोड़े मंदे ही चल रहे हैं रेट के हिसाब से, गवर्नमेंट का जो रेट है वो 8500 किया उन्होंने, लेकिन जो इनसा यहाँ पे जो लेते हैं आड़ती वगैरह उन्होंने अपनी लगाई हुई है जनाब, मौज बनी हुई है इनकी, ना कोई पूछने वाला, ना चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई। चलो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल अभी जो इनसे काटन की आउटपुट काफ़ी बेहतर होने लग गई थी, कहा कुछ जो इनसा रूटीन ठीक होगी, बहरहाल चलें अल्लाह ख्याल रखे। अभी भी फ़िलहाल तकरीबन 7000 के राउंड अबाउट रेट हो गया, पहले तो काफ़ी डाउन हो गया था, बारिश हुई है तो बड़ा गर्क ही कर दिया ना इन्होंने, 5000 4500 ये कंडीशन। तो ज़िम्मेदार का रगड़ा निकालने के चक्करों में रहते हैं, बस उधर से खाद लेने जाएं तो ऊपर की ऊपर जा रही है, तो माल देने जाएं वो नीचे का नीचे जा रहा, कोई समझ नहीं आती क्या करते हैं क्या नहीं करते। बहरहाल अल्लाह ख्याल रखेगा, जब अल्लाह ताला एक दो चीज़ें नोट की हैं, अगर आपकी नीयत साफ हो, आप मेहनती हैं तो आपका नुकसान नहीं होता, अल्लाह पाक जो है वो लाजमी कोई ना कोई किसी ना किसी जगह से फ़ायदा कर देता है। बस जो है वो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, यकीन जो है वो बहुत मैटर करता है। पास चलते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको क्या रूटीन चल रही है। मामू ज़मीन की थोड़ा सा लेवल शेवल हो जाए उसके बाद जो है वो करेंगे, क्या उसका नाम है गोबल एक निकाल लेंगे, देखते हैं एक निकालनी पड़ती है दो निकालनी पड़ती हैं।
उससे पहले एक दफ़ा जो है वो बारिश की वजह से जो बत्तर बना हुआ था उसके अंदर कर दी थी, गोबल मार दी थी ताकि जो है ना ज़मीन सारी जो है वो अच्छी तैयार हो जाए। हाँ लग रहा है सिंगल गोबल से काम चल जाएगा, कुछ जो कमी पेशी है वो सिंगल गोबल से निकल जाएगी। चले मैं आता हूँ, एक मिनट, मामू बुला रहे हैं। मामू ने आवाज़ मारी थी, बुला लिया था यहाँ पे करके, कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, वो उन्होंने कहा थोड़ी सी साइड पे करें। अभी तकरीबन ये तो कुछ निकल गया, ये थोड़ा सा रह गया, यहाँ से ये करते हैं फिर उसके बाद चलते हैं दूसरे टुकड़ी में, थोड़ा सा है ये ताकि बराबर हो जाए। असल मसला ये होता है, पानी लगने का मसला होता है, पानी अगर सही ना लगे तो फिर ऊंची नीची जगह हो, पानी सही नहीं लगता फिर फसल ठीक नहीं होती। इससे एक और हो जाता है जो बड़े बड़े होते हैं ना मिट्टी के ढेले, सिंधी में तो इसे कहते हैं भितर, तो ढेले जो उनसे मिट्टी के वो निकल जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर वो टूट जाते हैं, जोर पड़ने की वजह से उसके थोड़ा छोटे हो जाते हैं, उसे ऊपर जो उनसा वो गोबर लगेगी। ये देखें ज़मीन की सूरत हाल तो काफ़ी बेहतर है, अभी ऊपर से गोबर लगेगी, अभी कीन लगी है ना तो गोबर लगेगी, तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतरीन हो जाएगी। अल्लाह ख्याल रखे। छोटी छोटी सिनेमैटिक वीडियोस को कोशिश करता हूँ वो बनाने लग गया था ऐसे छोटी छोटी। अभी दूसरे टुकड़े में चलते हैं, परिंदे पीछे पीछे हैं, जब हल चलती है या मतलब ये ज़मीन होती है ना तो उसके वक़्त क्या करते हैं कि ये परिंदे जो है ना कीड़े मकोड़े निकलते हैं वो खाते हैं बड़े मज़े से, तो इसलिए पीछे 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 जब हल चल रहा होता है उसका पीछे पीछे परिंदे जो उनसे हैं वो घूमते फिरते रहते हैं। अभी तो कम है लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चारों कोने जो उनसे हैं ना उन पे एक दफ़ा चारों साइडों पे होके आ रहे हैं ताकि थोड़ी बहुत जो 19-20 की कमी बेशी है वो पूरी हो जाए, सेट कर हो जाए तो करके फिर उसके बाद जो उनसे अभी बताते हैं क्या करना है, गोबर डालनी है या अभी जो उनसे है वो उम्मीद तो है मेरे ख्याल में अभी फाइनल कर देंगे। हाँ लग रहा है, हाँ देखा गेयर चेंज हो गया जनाब, अभी चलते हैं गोबर डालनी है, मैंने डलवानी है तो इसलिए गोबर डालते हुए तो वीडियो नहीं बना सकूंगा, तो बाद में बनाते हैं। अच्छा जी कीन उतार दी है, अभी गोबर जो है वो लगा डालने लगे हैं, मम्मू एक दफ़ा सीधा कर लें फिर डालते हैं। आन दो बस ठीक है, गोबर डाल दी है अभी देखते हैं जी। चलो सही है, एक दफ़ा जो है ना वो ज़मीन अब तैयार होगी, जो कमी पेशी थी वो सारी निकल जाएगी, सही उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी तैयार हो जाएगी, नरम हो जाएगी बिल्कुल। उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी तैयार हो जाएगी। एक दफ़ा अभी गोबर लाग रहे फिर पीछे जो उनसा वो इंशाल्लाह खीरिया निकालते हैं, खीरिया निकालते हुए फिर आपको दिखाएंगे खीरिए कैसे निकलते हैं। खीरिए निकालने लगे हैं जनाब, खीरिए वाली हल डाल के ले आए हैं, ये इस तरह सिंगल किया हुआ, ऐसे तो इसके दो होते हैं पर एक उतार दिया होगा, एक इधर होता है एक उधर होता है, लेकिन अभी जो उतार दिया होगा। डबल जब लगा हुआ होता ना पर तो
फिर जो है वो इस इधर भी एक जाती है, अब इस जगह पे भी एक खीरिया जाना था इस जगह पे करके, और वो नहीं निकाला, वो उतारा हुआ है, इसे सेंटर में किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है कि टमाटर जो है उसकी थोड़ी सी पौधा बड़ा हो जाता है, तो वो क्या करेगा कि जब इधर लगेगा तो वो उसको बहुत जगह मिल जाएगी, उस जगह पे जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल जाएगी बड़ा होने का, पौधा ज़्यादा जो है वो खुल के ग्रो करेगा। इधर से आप भी जब आएंगे तो यहाँ से भी जो है वो बेड जो है वो थोड़ा सा चढ़ा होगा, यानी कि तकरीबन ऊपर से जो है बेड वो तकरीबन 4.5-5 फीट का तकरीबन बेड जो है ना वो बनेगा। ये देखें ये, अच्छा ये देखें ये एक खीरिया ये निकला ना, नाली नाली जो है ट्रंच है जैसे, मतलब नाली जो है इधर से पानी लगेगा, एक जो है वो इधर लगेगा पानी, होगा क्या कि यहाँ के पौधे जो उनसे होंगे इस साइड वाले उनको जगह इधर मिल जाएगी ज़्यादा ग्रो करने के लिए, उधर वाले जो उनसे होंगे उस साइड से वो इधर जो है वो ग्रो कर जाएंगे, तो ये बेड जो है वो बड़ा फिर बन जाएगा इस तरीके से। अच्छा तो तकरीबन सारे एकड़ में खेरिए निकल गए, खेरिए कुछ इस तरह से निकल गए हैं, अब बस साइड वाले थोड़े थोड़े रह गए हैं वो निकाल रहे हैं, साइड वाले एक ये निकल गया। बेसिकली साइड वाले निकालने का मकसद ये होता है कि ये यहाँ से भी इसकी सफाई करेंगे इस जगह से ना, ये इस जगह से सफाई करेंगे सारी नालियाँ, तो इधर से पानी जो है वो सारे जो खीरिया हैं उनके अंदर जाएगा, और इधर से पानी लगाएंगे उधर से उस साइड से, वो जो साइड है उधर से पानी आएगा। बाकी अब मुजेरों का काम रह गया, उन्होंने आके सेटिंग करनी है, शाम को बाकी करेंगे, अभी धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, दोपहर का टाइम हो गया तकरीबन 11:30 होने वाले हैं, तो अभी जाके थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, कुछ खाएं पिएंगे और रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम को आ जाएंगे, क्या उसका नाम है मुजेरे, कॉल उनको कर दी है, वो कुछ आधे जो से थे वो मिर्ची की सफाई कर रहे थे, गोडी वगैरह कर रहे थे, और आधा जो है वो ऊपर नहर के पास जो है वो काटन लगी हुई है कपास, सिंधी में फुट्टी कहते हैं, तो उसकी सफाई कर रहे हैं,